मतलब इसके बारे में स्पेसिफिक, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को. पता है, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट आई थिंक ओके. तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं. बेसिकली जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स रहती है और या उनकी जो एक्टिविटी होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है ना. उन फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर होता है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज में आपके आते हैं टेम्परेचर, प्रेशर. दूसरे आप उसको दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन होते हैं. उसमें पीएच वैल्यू और आयनिक स्ट्रेंथ को हम कंसीडर कर सकते हैं. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को फैक्टर्स एंड इनहिबिटर्स होते हैं. ओके, तो बेसिकली हम वन बाय वन इन हर एक फैक्टर्स को देखेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें पीएच की, तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पीएच डिपेंडेंट एक्टिविटी शो करते हैं. ओके, और अगर हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी वर्सेस पीएच कर्व प्लॉट करें तो हमें एक बेल शेप्ड कर्व मिलता है. बेल शेप्ड कर्व का मतलब ये होता है, आपने बेल देखी होगी ना, उस आकार का कर्व मिलता है. उसका मतलब ये होता है कि एक ऑप्टिमम पीएच पर ही एंजाइम आपका पर्टिकुलर एक्टिविटी देगा. उससे बिलो और उससे हायर जो आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी वो अफेक्ट होगी, है ना. तो बेल शेप जो एक्टिविटी पीएच प्रोफाइल जो होता है बेसिकली अमाइनो एसिड रेसिड्यू की वजह से होता है, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द एंजाइम आपके प्रोटीन्स होते हैं और उनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना. तो वो बेसिकली उनमें आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं. उनके आयनाइजेशन की वजह से आपके जो एंजाइम है उनका जो एक्टिविटी है, ओवरऑल एक्टिविटी, वो अफेक्ट होती है. ओके, तो इसका ये ध्यान रखिएगा, इसका बेल शेप्ड कर्व होता है कुछ इस तरीके से. आप देखिए यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है बेसिकली ये पीके 6 वाले अमाइनो एसिड्स के लिए कर्व प्लॉटेड है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे और इस कर्व को आप एक चीज समझ सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द आपके बेसिक प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली ऑप्टिमम एक्टिविटी कहाँ पर शो करते हैं, जिन एंजाइम्स में बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं अराउंड 7 पीएच पे. ओके, लेस देन 7 पीएच जब होता है, पीएच 7 से कम होता है तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, या पीएच 7 से ज्यादा होता है 8, 9, 10 तो भी एक्टिविटी कम हो जाती है. इसके बेस्ट एग्जांपल है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, है ना. वो ऑप्टिमम 7-8 पीएच पे उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी, दैट इज मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती है. उससे कम या ज्यादा पीएच पे एक्टिविटी कम हो जाती है. तो ये आपका बेल शेप्ड कर्व है और पीएच डिपेंडेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो ये ध्यान रखिएगा. अगर इसकी जगह हम यहाँ पर पेप्सिन का कर्व प्लॉट करें, तो कोई बता सकता है पेप्सिन की ऑप्टिमम एक्टिविटी कितने पीएच पर होती है? एनी ऑफ यू? हेलो, 8 पे, 1 or 2 पीएच पे. ओके, पेप्सिन आपका एसिडिक पीएच पर काम करता है और अगर उसका कर्व आप प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ पर 0.5, 1, 2 or 2.5 or 3 करके आप नीचे एक्स एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट करेंगे और 2 पे उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाएंगे, है ना. तो वो आपका एसिडिक पीएच पे वर्क करता है और आपके जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं वो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आपके बेसिक पीएच पर काम करते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कि बेसिक पीएच हो जाता है ना. तो ये आप ध्यान रखिए. अच्छा, टेम्परेचर नेक्स्ट फैक्टर आपका है. टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्टिविटी भी बहुत सारे एंजाइम्स शो करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखने का आपको, कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीमेंट पे एंजाइम एक्टिविटी जस्ट डबल हो जाती है. ओके, कब तक डबल होती है? अप टू 40 डिग्री तक, है ना. हर 10 डिग्री पीएच टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी डबल हो जाती है
और ये कब तक डबल होती रहती है, दैट इज इंक्रीज होती रहती है अप टू 40 डिग्री, 35 टू 40 डिग्री टेम्परेचर तक ये एक्टिविटी बढ़ती रहती है ना। कारण आपको पता है कि जितना भी आप टेम्परेचर जब भी आप बढ़ाते हैं कोई भी रिएक्शन बढ़ती है ना, एक सेकेंड, कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। लेकिन और यही सेम फंडा लागू होता है एंजाइम्स के केस पे, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लाइक 40 डिग्री के अबव हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे गेट डीनेचर्ड, दिस देयर डीनेचुरेशन स्टार्टेड है ना बियॉन्ड 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और अगर एंजाइम डीनेचर हुआ तो उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो लूज हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस, बट इट गेट मैक्सिमम टिल 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आफ्टरवर्ड्स एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंजाइम बिकम डीनेचर्ड, ओके, एंजाइम डीनेचर होने लगता है एंड ड्यू टू दिस डीनेचुरेशन एंजाइमेटिक एक्टिविटी गेट रिड्यूस्ड। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका टेम्परेचर वर्सेस एक्टिविटी प्लॉट है ये एब्सोल्युटली बेल शेप नहीं होता, स्लाइटली टिल्टेड होता है ना, ये थोड़ा सा आपका 40 डिग्री की तरफ होता है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर ट्यून्ड टू वर्क एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, वो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर हम उससे कम टेम्परेचर करते हैं तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, उससे बढ़ाते हैं तो 40 डिग्री तक तो बढ़ेगी, उसके बाद अगर बढ़ाया ना तो हमारी बॉडी के एंजाइम धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊंगी, आप मतलब एक डे टू डे एक्टिविटी आप मॉनिटर करते होंगे कि जब ज्यादा ठंडक हो जाती है ना, तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अल्टर्ड हो जाता है ना। हमारी बॉडी को अपने आप को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, एक ये बात है। दूसरा एक और बात है, आप जैसे कुछ जो हमारे यूनिवर्स में बैक्टीरिया हैं जो थर्मोफाइल क्लास को बिलोंग करते हैं, अगर आपको याद हो एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स दैट इज टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया, उनके एंजाइम्स हायर टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए ट्यून्ड होते हैं है ना, वो हायर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। कोई एग्जाम्पल जानता है ऐसे एंजाइम का? कम ऑन, कोई जानता है हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाले एंजाइम्स? हेलो, हेलो, देखिए हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाले एंजाइम का बहुत ही फेमस नाम है थर्मस एक्वेटिकस, आपने सुना होगा टेकमन पॉलीमरेज या टेक पॉलीमरेज, जो पीसीआर में यूज होता है, ओके, वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क कर सकता है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना, 65 डिग्री सेंटीग्रेड में जहां पर एंजाइम डिग्रेडेशन होना शुरू होता है टेक पॉलीमरेज उस टेम्परेचर पे वर्क करता है। और ये बेसिकली आपका थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है, वहां से आइसोलेट किया जाता है और PCR में यूज करते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दो ही फैक्टर बताए हैं है ना, एक आपका pH डिपेंडेंस और दूसरा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर जब आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात की थी तो बहुत सारे फैक्टर्स की बात करी थी है ना, जिसमें से हमने पीएच और टेम्परेचर की बात करी है। यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूँ जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो भी, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर, वो भी आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि आप जो जैसे बफर सॉल्यूशन में मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क करते हैं, वो बफर सॉल्यूशन अगर आपका एसिडिक या उसका कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो तो भी आपका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो कम या ज्यादा होगी। एक ऑप्टिमम आयनिक स्ट्रेंथ मेंटेन करना बहुत जरूरी है प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। कुछ जो फैक्टर्स हैं उसको हम पहले देख चुके हैं इसलिए आगे यहाँ पर नहीं है। उनमें से मेनली आपका आता है सबस्ट्रेट,
कोफैक्टर एंड इनहिबिटर्स। जैसे जैसे हम सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं आपका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ती है, वो आपने देख लिया था। एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपका सैचुरेट हो जाती है ना। फिर सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का आपका एंजाइम एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप कर्व बना सकते हैं जो कि हाइपरबोलिक कर्व है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन में देख चुके हैं, है ना। एक और अगर आपका है कोफैक्टर, कोफैक्टर का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर लेवल तक एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है एंड देन इट गेट स्टैग्नेंट, दैट इज आपका सैचुरेट होने लगती है। लेकिन इनहिबिटर का क्या है, इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है और एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर, याद रखिएगा, इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे जाकर वो मिनिमम लेवल पर पहुंच जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सबको आपको कर्व से बताना है और एग्जाम में अगर पूछें तो बढ़िया, आप तो इसमें से 10 लगभग 10 पेजेस का आप लिख सकते हैं, हर एक का कर्व बताकर एक एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम काइनेटिक रिएक्शंस टॉपिक कंप्लीट हो गया और मैं आपको थोड़ा सा इस क्लास में और बताऊंगी बाई सबस्ट्रेट काइनेटिक्स के बारे में। ओके, बेसिकली बाई सबस्ट्रेट काइनेटिक, अभी जो हमने देखिए रिएक्शन देखा या माइकलिस मेंटन इक्वेशन देखा वो हमने किसकी काइनेटिक स्टडी की है, ऐसे रिएक्शंस के जो कि सिंगल सबस्ट्रेट मतलब सिंगल सबस्ट्रेट रहता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज पे आपका इन्वर्टेज एंजाइम लग रहा है और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, है ना, एक ही सबस्ट्रेट है। लेकिन कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आपके दो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं और दो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ट्रांसमिनेशन रिएक्शन जो आपने अभी देखी थी, है ना, या वहां पर क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू होता है। ऐसी जो बाई सबस्ट्रेट रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि आपका फॉस्फोरिल या अमोनियम ग्रुप ट्रांसमिनेज रिएक्शन में आपको पता है अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है, है ना, वन सबस्ट्रेट से अनादर पे। और ऐसा ही कुछ हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बिटवीन द सबस्ट्रेट। और अपार्ट फ्रॉम बाई सबस्ट्रेट काइनेटिक्स मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शंस भी होते हैं जिनको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, सीक्वेंशियल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, बेसिकली बाई सबस्ट्रेट रिएक्शंस काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए दो पाथवे होते हैं, एक सीक्वेंशियल डिस्प्लेसमेंट पाथवे और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट पाथवे। ओके, तो हम अभी उसको देखते हैं। सीक्वेंशियल डिस्प्लेसमेंट पाथवे का मतलब होता है कि बेसिकली क्या होता है, इन द सीक्वेंशियल मैकेनिज्म ऑल सबस्ट्रेट मस्ट बाइंड टू द एंजाइम बिफोर एनी प्रोडक्ट इज रिलीज्ड। ऑल सबस्ट्रेट मतलब आपके दोनों सबस्ट्रेट जो हैं ए और बी वो एंजाइम से पहले बाइंड हो जाएंगे और तब तक कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर वन बाय वन करके आपका सीक्वेंस में प्रोडक्ट रिलीज होगा, इसलिए इस पाथवे को कहते हैं सीक्वेंशियल डिस्प्लेसमेंट पाथवे। अच्छा, सीक्वेंशियल जो डिस्प्लेसमेंट पाथवे है वो दो तरह का मैकेनिज्म के द्वारा समझा जा सकता है, पहला ऑर्डर्ड और दूसरा रैंडम। ऑर्डर्ड का मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं, जैसे आपका ए और बी दो प्रोडक्ट है, अभी हम रिएक्शन में भी देखेंगे, तो पहले ए बाइंड होगा देन बी बाइंड होगा और रिलीज क्या होगा, पहले आपका ए रिलीज सॉरी पी प्रोडक्ट रिलीज हुआ देन क्यू प्रोडक्ट रिलीज हुआ, मतलब एक ऑर्डर फॉलो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू पहले रिलीज हो देन पी रिलीज हो, पहले पी ही रिलीज होगा देन क्यू रिलीज होगा, इसलिए इसको ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल मैकेनिज्म कहते हैं। दूसरे तरह की जो रिएक्शन होती है उसको रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी पहले बाइंड हुआ है लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो कोई भी पहले रिलीज हो सकता है, क्यू भी रिलीज हो सकता है और पी भी रिलीज हो सकता है ना, इसलिए उसको रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर कोट कर रखा है, इट इज एनएडी और एनएडीएच और सबस्ट्रेट मेडिएटेड रिएक्शंस, है ना। जनरली एनएडी और एनएडीएच जो रिएक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो आपका एनएडी कोफैक्टर रिक्वायरिंग एंजाइम है जो कि पाइरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है, बेसिकली ये सीक्वेंशियल ऑर्डर्ड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पर सीक्वेंशियल ऑर्डर्ड मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो पहले देख लीजिए आप, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एंजाइम रहेगा, पहले एनएडीएच बाइंड होगा देन पाइरुवेट बाइंड होगा,
ठीक है, अब एंजाइम में एक ही एंजाइम में आपके ऑर्डर क्या है, पहले एनएडीएच बाइंड हुआ देन पाइरूवेट, पर रिलीज कौन होगा, रिलीज पहले आपका लैक्टेट होगा देन एनएडी पॉजिटिव होगा और फिर एंजाइम फ्री होगा। तो यहाँ पर एक ऑर्डर मेंटेन्ड है, ध्यान रखिए ऑर्डर मेंटेन होने की वजह से इसको ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका है रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिलीज ऑफ प्रोडक्ट इज रैंडम, मतलब कोई भी सबस्ट्रेट पहले बाइंड हो सकता है और कोई भी प्रोडक्ट किसी भी टाइम पर रिलीज हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ए ही पहले बाइंड हो या पी ही पहले रिलीज हो, है ना, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोक्रिएटिनिन एंड एडीपी फ्रॉम एटीपी एंड क्रिएटिनिन, ये रिएक्शन कहाँ पर होती है आपको पता है, ये मसल में होती है और ये एंजाइम जो ये रिएक्शन कैटलाइज करता है वो होता है क्रिएटिन काइनेज, और ये जो क्रिएटिन काइनेज है ये पहले क्या करता है, क्रिएटिन को इस एंजाइम में सबसे पहले क्रिएट, मतलब कोई भी, क्योंकि रैंडम सिक्वेंशियल मैकेनिज्म है तो यहाँ पर क्रिएटिनिन पहले बाइंड हो सकता है या एटीपी पहले बाइंड हो सकता है ना, और फॉस्फोक्रिएटिनिन पहले रिलीज हो सकता है या एडीपी पहले रिलीज हो सकता है, ये रैंडम चलेगा। ओके, तो बेसिकली ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया और आपका रैंडम सिक्वेंशियल मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पर जो आपका ये एंजाइम है, अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो एंजाइम में एटीपी भी बाइंड हो सकता है, क्रिएटिनिन भी बाइंड हो सकता है, या पहले क्रिएटिनिन बाइंड हो सकता है फिर एटीपी बाइंड हो सकता है ना, एंड देन आपका जो एंजाइम क्रिएटिनिन जो एटीपी कॉम्प्लेक्स है इसमें पहले फॉस्फोक्रिएटिनिन रिलीज हो सकता है और बाद में एडीपी, या पहले एडीपी रिलीज हो सकता है देन फॉस्फोक्रिएटिनिन रिलीज हो सकता है, लास्ट में एंजाइम फ्री होगा। तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए बनाया है, आप बस ध्यान रखिए कि रेंडमली कोई भी सब्सट्रेट पहले बाइंड हो सकता है और कोई भी प्रोडक्ट रेंडमली पहले निकल सकता है। ओके, तो ये आपका सीक्वेंशियल डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म और उसके ऑर्डर्ड और रैंडम सीक्वेंशियल टाइप्स का हमने मैकेनिज्म विद एग्जांपल कर लिया। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं, आपको एग्जांपल समझ में आ गया प्लीज यस और नो में आंसर कर दीजिए। हेलो हेलो, यस मैम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पाथवे पे चलते हैं जो हमने बात की थी, दैट इज बाइसब्स्ट्रेट काइनेटिक्स में आपका बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म हमें देखना था। बाइसब्स्ट्रेट काइनेटिक्स में डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, पिंग पोंग मैकेनिज्म रिएक्शन, उसको पिंग पोंग रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली वन और मोर प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड बिफोर ऑल सब्स्ट्रेट्स बाइंड्स द एंजाइम। अभी तक हमने सीक्वेंशियल में क्या देखा था, भाई एंजाइम है उसमें सारे सब्सट्रेट पहले बाइंड होंगे फिर जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसमें से एक एक करके प्रोडक्ट निकलेंगे, है ना। लेकिन पिंग पोंग रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले मान लो एक सब्सट्रेट बाइंड हुआ, है ना, आपका बेसिकली आपके एक सब्सट्रेट बाइंड हुआ और प्रोडक्ट निकल सकता है, उसके बाद दूसरा सब्सट्रेट बाइंड हो सकता है ना, दैट इज वन और मोर प्रोडक्ट्स आर रिलीज बिफोर ऑल सब्सट्रेट बाइंड टू द एंजाइम। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पर ये आपका फ्री एंजाइम है, है ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड की कैविटी बनी हुई है, एक आपका फर्स्ट स्टेप में आपके पास फ्री एंजाइम है, ए सब्सट्रेट आया और आपका एक्स साइड पे बाइंड हो गया, ए सब्सट्रेट बाइंड होकर वहां पर उसने कोवेलेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया, सॉरी ए जो आपका सब्सट्रेट बाइंड हुआ उसमें से आधा जो प्रोडक्ट है पी वन वो निकल गया और कुछ पार्ट वो उसी साइड पर छोड़ गया, ठीक है जेड। अभी क्या है थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, बी सब्सट्रेट आया वो वाई एक्टिव साइड पे जाकर बाइंड हो गया और उसके बाद आपका ई डैश बी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये ई बी डैश कॉम्प्लेक्स में से जो आपका जो ये वाई है वो जेड के लेफ्ट ओवर से कंबाइन होकर उसने एक प्रोडक्ट बना लिया ई पी टू, फिर पी टू रिलीज हो गया एंड देन आपका फ्री एंजाइम बन गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पिंग पोंग में या डबल डिस्प्लेसमेंट में और आपके सिक्वेंशियल में फर्क ये है कि वहां पर एंजाइम पर पहले सारे सब्सट्रेट बाइंड होते हैं देन प्रोडक्ट वन बाय वन करके रिलीज होते हैं, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पहले एक सब्सट्रेट बाइंड होता है
एक प्रोडक्ट निकल जाता है, उसका छोटा सा टुकड़ा एंजाइम को मॉडिफाई करने के लिए वहीं पर बैठा रहता है, और एंजाइम में मोर देन वन एक्टिव साइट होती है, ये भी ध्यान रखिए। फिर दूसरा सब्सट्रेट आकर बाइंड होता है और दूसरा प्रोडक्ट निकलता है, देन लास्ट में आपका फ्री एंजाइम फ्री होता है ना। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट या पिंग पोंग मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट का भी और सब्सट्रेट का भी, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और इस मैकेनिज्म में बेसिकली आपका, अगर मैं इसको फिर से एक बार क्लियरली रीड आउट करूं, और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज फिर से पूछ लीजिएगा। अ पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम एंड इज देन ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड सबस्ट्रेट बी आफ्टर द फर्स्ट प्रोडक्ट सी हैज बीन रिलीज्ड, ओके, दैट इज पिंग पोंग। यहाँ पर मैंने आपको वही बात बोली, थोड़ा छोटा सा पार्ट आपका एक सबस्ट्रेट का जुड़ा रहता है, एक प्रोडक्ट आधा निकल गया है, वो छोटा सा जो जुड़ा पार्ट है वो दूसरे सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है अपनी एक्टिव साइट पे, तो उससे कंबाइन होके एक प्रोडक्ट सी बनाता है और वो रिलीज हो जाता है, देन एंजाइम फ्री हो जाता है। तो इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट या पिंग पोंग मैकेनिज्म बोलते हैं। इसको हम आपका ट्रांसएंजाइमेटिक रिएक्शन से समझ सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। बाई सबस्ट्रेट काइनेटिक मैकेनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पिंग पोंग मैकेनिज्म का, दैट इज आपका आपका ट्रांसमिनेज रिएक्शन। यहाँ पर आप देखिए जो एंजाइम है ना, इस वाली रिएक्शन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, आप सभी फैमिलियर होंगे। एंजाइम जो आपका है वहां पर सबसे पहले एस्पार्टेट आकर बाइंड होगा, देन एस्पार्टेट में से ऑक्सलो एसिटेट निकल गया, ठीक है, और एस्पार्टेट ने क्या किया, अपना अमीनो ग्रुप एंजाइम के ऊपर छोड़ दिया है ना। ऑक्सलो एसिटेट निकल गया है, जो पार्ट जो बचा रह गया है वो क्या है, अमीनो ग्रुप एंजाइम के ऊपर है। अब ये जो अमीनेटेड एंजाइम है, दैट इज एंजाइम के पास जो अमीनो ग्रुप है, उसके साथ दूसरा सबस्ट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट आकर बाइंड हुआ, और उसमें क्या हुआ, फिर सब्सिक्वेंट रिएक्शन में क्या हुआ, उसने ये अमीनो ग्रुप लिया और रिलीज हो गया, ग्लूटामेट के फॉर्म में वो रिलीज हो गया और आपका एंजाइम फ्री हो गया। मुझे लगता है इससे सिंपल तरीके से कोई इस मैकेनिज्म को नहीं समझा सकता। अगर आप देखें, अगर जिसको नहीं समझ में आया, पहले इस फिगर को देखें एंड देन इस मैकेनिज्म को देखें। जैसे मैंने आपको कहा, छोटा टुकड़ा दैट इज अमीनो ग्रुप वहीं पर रह जाता है, अमीनो ग्रुप फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट से रिएक्ट करके उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ग्लूटामेट फ्री हो जाता है और आपको फ्री एंजाइम भी मिल जाता है, ओके। बेसिकली द फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सलो एसिटेट विच डिपार्ट्स सब्सिक्वेंटली एंड द सेकंड सबस्ट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट बाइंड्स टू द एंजाइम एक्सेप्ट द अमीनो ग्रुप फ्रॉम द मॉडिफाइड एंजाइम एंड इज देन रिलीज्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट ग्लूटामेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिंग पोंग बाय सब्सट्रेट रिएक्शन मैकेनिज्म काइनेटिक्स, और आपका ये यहाँ पर एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं।